आइए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर हमारा जो हृदय होता है, जो दिल होता है, जो हार्ट होता है, वो कैसे काम करता है। आखिर हृदय कैसे काम करता है, देखो हमारे शरीर में रक्त के परिवहन के लिए हृदय सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी होता है। तो आखिर ये कैसे, जो हृदय होता है, हम लोग का दिल होता है, ये कैसे काम करता है, एकदम आसान भाषा में नॉर्मल तरीके से आपको समझा दूंगा। देखिए हृदय, इसको इंग्लिश में हार्ट कहते हैं और हम लोग क्या कहते हैं, दिल कहते हैं। देखिए हम लोग जो सिंपली दिल का जो फिगर बनाते हैं वो इस टाइप से बनाते हैं, इस टाइप से हम लोग दिल का फिगर बनाते हैं, जबकि रियलिटी देखी जाए तो हम लोग का हृदय जो होता है इस टाइप से होता है। देखिए ये दिल टाइप का नहीं होता, ये दिल ऐसे जो बनता है वैसे नहीं, ये हृदय हम लोग का इस आकार का होता है, थोड़ा सा दाहिने पक्ष की ओर क्या होता है, झुका रहता है, दाहिने पक्ष इधर है हम लोग का। देखिए हृदय जो है, हृदय में चार गो वेश्म होते हैं। सबसे पहले समझिए आखिर ये काम कैसे करता समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटी इसका डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। देखिए हृदय जो होता है, हृदय में चार गो वेश्म होता है, देखिए दो गो ऊपर है, दो गो नीचे है ना, दो गो ऊपर दो गो नीचे। इन चारों वेश्म को एक को बोलते हैं दायां अलिंद, मतलब ऊपर वाले को अलिंद भाग बोलते हैं, नीचे वाले भाग को नीले भाग बोलते हैं। अब अलिंद है तो इधर दायां अलिंद और इधर बायां अलिंद, इधर नीले होता है तो इधर दायां नीले और इधर होता है बायां नीले। देखो हृदय को घेर कर रखने वाला जो जाल होता है, ये बाहर से जो हृदय को घेर कर रखा है जाल, इस जाल का नाम होता है पेरिकार्डियम। क्या होता है? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम नाम होता है। अब देखिए यहां से मतलब कुछ बेसिक चीज आप समझिए। पहले हृदय जो होता है ये क्या होता है, सिकुड़ता है, फैलता है, धक 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 ऐसे करते रहता है हृदय आपका। तो हृदय का एक बार सिकुड़ना और फैलना धड़कन कहलाता है। लगभग एक मिनट में जो हमारा हृदय है वो 72 बार धड़क जाता है। कितने बार? 72 बार धड़क जाता है, ठीक है। तो हृदय का मुख्य काम क्या होता है, रक्त का परिवहन करना, यानी रक्त को शुद्ध करके हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाने का काम करता है हृदय। कहने हार्ट अटैक आ गया किसी किसी को कैसे, सारी चीज समझते हैं। देखिए आप सबसे पहले हृदय के बारे में जाने, हृदय की जो बाहरी जाल होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। अब देखिए हृदय कैसे काम करता है, हृदय जो होता है वो दो गो नसों से प्रवेश करता है। उस नस का नाम होता है सीरा, ये वाला और ये वाला दोनों भाग का नाम है सीरा, यानी इसको महासीरा कह सकते हैं। देखो सीरा का मेन मुख्य उद्देश्य होता है अशुद्ध खून को हृदय के अंदर ले जाना, ठीक है ना। ये जो सीरा, ये अग्रशिरा, आगे वाला सीरा, ये पीछे वाला सीरा, यानी अग्रशिरा और पश्चशिरा के माध्यम से खून जो होता है वो हृदय में पहुंचता है। यानी खून जो हम लोगों का होगा वो किस सिरा के माध्यम से, अग्रशिरा और पश्चशिरा के माध्यम से कहां पहुंचेगा, दायां अलिंद में, यहां पहुंचता है खून। कहां पहुंचेगा हम लोग का, मान लीजिए खून है, ठीक है, दायां अलिंद में आएगा और दायां अलिंद के बाद जो आपका खून है वो कहां गिरेगा, दायां नीले में गिर जाता है। कहां गिर जाता है, दायां नीले में गिर जाता है। अब दायां नीले में जैसे ही खून गिरता है ना, तो यहां एक त्रिदलीय कपाट होता है जो इस रास्ते को पैक कर देता है, इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देता है, ताकि खून जो है ना प्रेशर मारकर ये क्या हो जाए, ये फुफ्फुस धमनी से बाहर निकल जाए, यहां फेफड़ा होता है, फेफड़ा के पास पहुंच जाए, मतलब साइड में फेफड़ा होता है, फेफड़ा के पास जब ये खून पहुंचता है तो फेफड़ा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड खींच के ऑक्सीजन मिला देता है और फिर ये जो खून होता है यहां फुफ्फुस, इसको फुफ्फुस सीरा बोलेंगे, फुफ्फुस सीरा के पास चला आता है और फुफ्फुस सीरा के माध्यम से फिर हृदय में खून पहुंचता है। अब समझिए इस बात को कैसे काम है। देखो खून सबसे पहले सीरा के माध्यम से हृदय के इस भाग में पहुंचता है, फिर यहां से इस भाग में आता है और फिर ये फुफ्फुस धमनी है, नलिका का नाम है फुफ्फुस धमनी, इस धमनी के सारे क्या होता है, बाहर निकल जाता है। देखिए हमारी हाथों में जो नसें होती है दो प्रकार की होती है, एक हरे टाइप का है और दूसरा का लाल। तो जो सीरा होता है ना इसका रंग हरा होता है, इसी में डॉक्टर सुई देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका काम होता दवा को अंदर लाना, नहीं हम जब नस में सुई दियाएगा तो क्या होगा, खून के माध्यम से पूरे शरीर में आपका फैल जाता है, ताकि बीमारी आपका जल्दी ही ठीक हो जाए। तो ये हरा जो होता है ना, ये क्या होता है, ये सीरा होता है, इसी के माध्यम से खून क्या होता है, हृदय के दायां अलिंद में पहुंचता है और उसके बाद खून कहां आएगा आपका, दायां नीले में, और दायां नीले के बाद खून कहां है, फुफ्फुस धमनी होता है, इसके सहारे बाहर निकल जाता है। बाहर निकलेगा तब साइड में फेफड़ा होता है, ये फेफड़ा का काम होता है जो यहां पर खून आया उसको शुद्ध करना, यानी उसमें ऑक्सीजन मिला देना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, ठीक है ना। तो हम लोग जो लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन मतलब उसमें डाल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खींचकर निकाल देता है। फिर यहां जब खून आएगा फेफड़ा के पास, तो फेफड़ा क्या करता है, फुफ्फुस सीरा को फिर खून देता है और ये जो सीरा होता है ये दायां अलिंद बायां अलिंद को खून देता है और फिर ये जो खून होता है कहां गिरता है, फिर आपका खून गिरता है बायां नीले में। अब बायां नीले के माध्यम से फिर जो खून होता है ये आपका महाधमनी के सहारे बाहर निकल जाता है। उसके बाद ये महाधमनी शरीर के प्रत्येक अंग में खून को आसानी से फैला देता है, शरीर के प्रत्येक अंग
रसायन से खून को क्या करता है, ये फैला देता है। तो इस तरह से हम लोग का हृदय काम करते रहता है। देखिए हृदय का जो वजन होता है 300 ग्राम होता है, लेकिन ये हृदय का जो वजन होता है लगभग 300 ग्राम पुरुषों में होता है, लेकिन महिलाओं में जो हृदय का वजन होता है लगभग 250 ग्राम के आसपास होता है। इसी कारण से पुरुषों की अपेक्षा में जो महिलाएं होती है थोड़ा सा डरपोक होती है। कई बार प्रश्न आता है महिलाएं डरपोक ज्यादा क्यों हो जाती है, क्यों? क्योंकि उनके हृदय का जो साइज होता है थोड़ा पुरुषों से कम होता है। इसी कारण से पुरुष थोड़ा निडर होते हैं, वो डरते नहीं है। तो महिलाएं डरपोक, महिलाओं का डरपोक होने का कारण, लड़की का डरपोक होने के कारण उसका हृदय होता है, हृदय का साइज थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। पुरुषों का जो हृदय होता है लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है, जबकि महिलाओं का हृदय उससे थोड़ा कम होता है, जिसके कारण से महिलाएं या लड़कियां थोड़ा डरपोक होती है। ठीक है, तो हृदय का मुख्य काम यही होता है कि खूनों का परिवहन करता है। ठीक है ना, क्या करेगा, सबसे पहले खून सीधा इस वाले भाग में लाएगा, फिर खून इस वाले भाग में आएगा, और फिर इस धमनी के सहारे, फुफ्फुस धमनी के सहारे खून फेफड़ा में पहुंचता है, और फेफड़ा में खून शुद्ध होकर फिर कहाँ आता है, इस फुफ्फुस शिरा के माध्यम से इस वाले भाग में आता है, फिर इस वाले भाग में आता है, और फिर ये महाधमनी के सहारे खून हमारे शरीर के प्रत्येक अंग अंग में पहुंच जाता है। तो इस तरह से हमारा हृदय क्या करता है, काम करता है। अब एक चीज देखिएगा, आप सुनोगे हार्ट अटैक क्यों आता है, लोगों को हार्ट अटैक आता है, तो भैया कहे हार्ट अटैक आता है, का कारण है? तो हार्ट अटैक आने का जानते हैं क्या कारण है? आपको पता है कि नसों का, सीरा का काम होता है अशुद्ध खून को अंदर लाना, और ये धमनी का काम होता है शुद्ध खून को बाहर निकालना, ये काम होता है। तो कई बार क्या होता है कि जो सीरा होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, या ये वाला जो सीरा होता है ये सब जाम हो जाता है। अब आप सोचिए कोई भी एगो सीरा, ये सीरा चाहे धमनी, कोई भी नली एगो यदि जाम हो जाए ना, तो इंसान को हार्ट अटैक आएगा। तो हमारे हार्ट मतलब जो दिल होता है, दिल में जो सीरा होता है, जो धमनी होता है, कोई भी अगर ये भी जाम होगा तो इसके अंदर खून नहीं आएगा, तो ये क्या कर अटैक कर जाएगा, फट जाएगा, यानी आदमी को क्या था हार्ट अटैक आ जाता है। अगर ये भी, ये वाला धमनी वाला भी भाग, अगर धमनी वाला भाग भी इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए, देखो हमारे खून में जो होता है 200 कम से कम ग्राम मिलीलीटर के आसपास कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो इसका यह मतलब हो गया कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। कई बार आदमी को देखिए जब हार्ट अटैक आता है ना, मतलब हार्ट अटैक आ जाता है, तो आदमी उसके हार्ट को दाबता है, क्यों? ताकि दाबने से जो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल यानी जो नलिका जाम हो गया वो थोड़ा सा खाली हो जाता है, खून आने जाने लगे, तो फिर आदमी क्या होता है, जीवित हो जाता है। मतलब फिर वो मतलब कुछ क्षण के लिए उसका श्वास जो होता है रुक जाता है, एक तरह से समझिए कि क्योंकि धड़कता है, धक धक करते रहता है, अब ये नलिका ही जम हो जाएगा, तो धक धक क्या करता है, हल्का कुछ क्षण के लिए बंद कर देगा। मेरे कहने का सीधा सा ये मतलब कि हार्ट अटैक सीधा सा आने का रीजन क्या है, तो नलिका का जाम हो जाना। कोई भी एक नलिका जाम होगा तो खून का आवाज आवागमन रुक जाएगा, और जब आवागमन रुक जाएगा तो हार्ट अटैक आना ही आना होता है। तो इस तरह से ये पूरा जानकारी किसके बारे में रहा, आपका हार्ट के बारे में, कि हार्ट कैसे काम करता है, और दूसरा कि हार्ट का साइज कितना होता है, और तीसरा मैंने आपको ये बता दिया कि हार्ट अटैक क्यों आता है।